तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ओडीआई सीरीज का मैच नंबर 5 खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा न्यू साउथ वेल्स वुमेन्स वर्सेज एसीटी मैटर्स वुमेन्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना है। और साथ ही साथ भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि भाई यहां पर मैंने जैसा कि मैंने बता रखा आपको, अब मैंने यार खुद से ही चैलेंज दिया हुआ कि ये जो चार मैच खेले जाएंगे, इन चार मैच में से कोई भी दो मैच आपके लिए जैकपॉट रहने वाले हैं, और इन चारों के चारों मैच में आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके बैठ सकते हो। बट आपको इन्वेस्टमेंट कहां करनी है उसकी अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है, और बिल्कुल गारंटी के साथ इन चार मैच का जो भी रिजल्ट आएगा, ये मान लो कि चार मैच में आपने अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 3 मेंबर और 4 मेंबर आपको खेलना है, तो अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपका प्रॉफिट, मतलब आपका चाहे आप टोटल 12,000 कमाओ, यानी कि आपका प्रॉफिट 2,000 रहे, या फिर आप 10,000 के 30,000 भी बना सकते हो, वो सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे लक के ऊपर। बट इतनी गारंटी है कि आप यहां पर प्रॉफिट में ही रहने वाले हो। आपको किस मैच में कैसे क्या इन्वेस्ट करना है सब कुछ मैंने टेलीग्राम पर बता रखा है। तो जो भी भाई पहली बार जुड़े हो चैनल पर, टेलीग्राम चैनल को 101% जाके ज्वाइन कर लो, इजिली, बिल्कुल इजिली आपको मैं इन चार मैच में प्रॉफिट में निकाल कर लेके जाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की स्क्वाड की। तो यहां पर अगर सबसे पहले बात करें एसीटी मैटर्स की टीम की, लेकिन उससे पहले भाई बात कर लेते हैं, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर भाई दोनों टीम है, इनका भाई एक मैच खेला जा चुका है न्यू साउथ वेल्स का, और यहाँ पर अगर बात करें एसीटी मैटर्स की, तो इनका भाई इस टूर्नामेंट में पहला मैच है। और भाई आपको बता दूं कि न्यू साउथ वेल्स के सामने एसीटी मैटर्स की कहानी बिल्कुल फ्लॉप रहेगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर कोई बोल दे कि ये जीतेगी तो भाई मेरी गारंटी है, ठीक है, मतलब कोई भी नहीं बोलेगा आपको ये चीज। यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स की टीम आपको क्लियर फेवरेट दिखेगी, तो ये तो आपके लिए देखो जो न्यू मेंबर आए हैं जो बिना रिसर्च करे यहां पर मतलब इस में कॉन्टेस्ट में जुड़ेंगे, उनको तो आप इजीली बीट करने वाले हो, क्योंकि आपको न्यू साउथ वेल्स का पता है कि भाई ये टीम फेवरेट रहने वाली है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 99% मैं दे रहा हूं न्यू साउथ वेल्स को, 1% क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल है, बट फिर भी मैं इतना कम दे रहा हूं 1%, तो आप सोच सकते हो कि यार मैं क्यों दे रहा हूं, ठीक है, काफी ज्यादा वीक टीम यहां पर है। लास्ट के अगर 5 मैच की बात करें तो भाई 5 के 5 मैच न्यू साउथ वेल्स की टीम यहां पर विन करके आ रही है। 1% मैंने इसीलिए दिया क्योंकि क्रिकेट भाई हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होता, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्या पता भाई पासा पलट जाए और क्या पता ये टीम जीत जाए, तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप इजीली इस मैच में काफी अच्छी विनिंग कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एसीटी मैटर्स की टीम की। तो यहां पर एंजेला रेक्स यहां पर कैप्टनसी करती नजर आएंगी, इरिका कैरशा भाई यहां पर इनकी वॉइस कैप्टन रहने वाली है, इसके अलावा एलिसा बेट्स खेलती नजर आएंगी, रेबिका कार्टर, जोए कुक, इसके अलावा निकोल हैंकॉक एकमात्र ऐसी प्लेयर जिससे आपको कुछ उम्मीद होनी चाहिए, और यहाँ से कार्ली लेसन भी काफी ठीक ठाक प्लेयर है, कैटी मैक को आप ट्राई कर सकते हो, इयान ओसबोर्न, इसके अलावा मेडिला पेना, ओलिवा पोर्टर, इसके अलावा भाई यहाँ से अगर बात करें तो सियोले रेफरी और एमी येट्स है भाई, वेट्स नहीं, एमी येट्स, ठीक है। तो ये भाई इनकी स्क्वाड जो अनाउंस हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो मैं बात बताऊँ आपको यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स की टीम की, तो ये भाई टीम मतलब अलग ही लेवल की है। यहाँ पर देखो एलिसा हेली टीम की कैप्टन है, ओपनिंग करेगी, बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज है, आपको इजीली काफ़ी अच्छी विनिंग करवा सकती है। वही अगर बात करें मैटली ब्राउन की तो बेहतरीन प्लेयर है, वही अगर बात करें यहाँ से देखो एरन बर्न्स की तो ये खेलती नजर आ सकते हैं, स्टेला कैंपल, हैना डार्लिंगटन, इसके अलावा एशले गार्डनर, रिचल हैंस, एम ए ह्यूज, इसके अलावा सैमी जो जॉनसन जो अभी तक स्क्वाड में नहीं आई थी, एनिका लेबोर्ड और फोबी लिचफील्ड, लॉरेंस स्मिथ, ताहिला विल्सन, मतलब यार क्या ही बताऊं, इनमें से 5 से 6 प्लेयर तो ऐसे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुकी है यार, इससे ज़्यादा आप क्या ही मतलब मैं क्या ही बताऊं यार, बिल्कुल वीक टीम है सामने वाले टीम एसीटी मैटर्स की टीम, ये मान लो कि बचने की कोशिश करेगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंतर से नहीं हरा पाए, बस इतना वो कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। वहीं अगर बात करें तो भाई फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, अभी के लिए मैं एक डेमो टीम आपको बना के दे रहा हूँ जिसको आप सेव कर सकते हो। एलिसा एली को आप अपनी टीम में रख सकते हो, ताहिला विल्सन को अगर आप चाहो तो रख सकते हो, बाकी अगर आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। बैटिंग ऑर्डर इनका कंफर्म बैटिंग ऑर्डर अभी हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई मैं अभी आपको टीम देने लग गया, लेकिन उससे पहले भाई यहां पर एक बार फैन कोड पर चलते हैं, और यहां पर न्यू साउथ वेल्स का एक मैच हो चुका है, उसमें देखते हैं कि कौन सी टीम ने क्या परफॉर्मेंस की है, ठीक है। तो यहां पर भाई
थोड़ा सा मैं यहाँ पर नीचे चल के स्क्रॉल करेंगे तो हमें मिलेगा इनका मैच। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं भाई, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी बट भाई विनिंग आपकी 100% मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के ऊपर मत जाओ, मतलब ये मत देखो कि कितना हमारा टाइम जा रहा है, बट ये देखो कि कितने टाइम में भाई कितने काम की चीज़ें आपको बताने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर देखोगे तो न्यू साउथ वेल्स का मैच यहाँ पर एक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो टीम अपना मैच जीत के आ रही है विक्टोरिया टीम्स के, विक्टोरिया के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर एलिसा हेली पूरी तरह से फ्लॉप भाई पहले मैच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सामने की टीम काफ़ी वीक है और इसके सामने ये जैकपॉट परफॉर्मेंस देने ही देने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप इसे ग्रैंड लीग में कैप्टन वॉइस कैप्टन लेके जा सकते हो। ग्रैंड लीग में आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यू साउथ वेल्स के प्लेयर्स को लेके और ईजिली भाई काफ़ी अच्छी विनिंग आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक चीज़ बता दूँ कि अगर देखो यहाँ से आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पांच प्लेयर आपको पिक करने हैं, मतलब इन पांच प्लेयर में से ही आपको प्लेयर्स पिक करने हैं। अगर भाई यहां पर पहले बैटिंग सॉरी सेकंड बैटिंग आती है तो न्यू साउथ वेल्स की, क्योंकि सामने की टीम अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो भाई बिल्कुल ही वीक टीम है, 100 125 130 तक शायद रुक जाएगी या ज्यादा से ज्यादा मतलब जितना भी वो रन बनाएगी सामने, मतलब ये पांच टॉप फाइव बैट्समैन ही इजिली चेज कर देंगी, तो नीचे से बैट्समैन लेने की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो रिचल एंस ने लास्ट मैच में यहाँ पर भाई 24 रन बनाए, इसके अलावा ताइला विल्सन ने 50 लगाई 54 रन बनाए, और भाई एसले गार्डनर ने 57 रन बनाए, फोबी लिचफील्ड ने काफ़ी ताबड़तोड़ यहाँ पर 88 रन बनाए, ईरन बर्न्स ने भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छी नोक खेली 31 रन बनाए। वही अगर बात करें देखो बॉलिंग की, तो बॉलिंग में भाई थोड़ा नीचे चलते हैं तो मैटली ब्राउन भाई काफ़ी ज़्यादा विकेट टेकिंग गेंदबाज है, लेकिन इस मैच में विकेटलेस रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इनको विकेट नहीं मिलेगा, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर हो जाएंगे। स्टेला कैम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, हैना डार्लिंगटन आपके लिए बेहतरीन से भी ऊपर की पिक होने वाली है, एसले गार्डनर काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर, लॉरेंस स्मिथ को आप ट्राई कर सकते हो, ईरन बर्न्स आपके लिए बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको यहाँ से 6 बॉलर बॉलिंग ऑप्शन इनके दिखेंगे, जिनमें से अगर कंप्लीट ओवर की बात करूँ तो यहाँ पर एसले गार्डनर अपने कंप्लीट ओवर करेंगे, आना डार्लिंगटन, मैटले ब्राउन और स्टेला कैंपल, ये चारों आपको कंप्लीट ओवर करते नजर आएंगे। लॉरेंस स्मिथ और यहां से एरन बर्न्स में ओवर यहां पर डिवाइड होते हैं आपको दिख सकते हैं, या फिर आपको ये भी दिख सकता है कि लॉरेंस स्मिथ आपको ओवर करती ना दिखे और एरन बर्न्स से आपको कंप्लीट ओवर करके चली जाए। तो अब चलिए बात करते हैं यहां पर टीम की, क्योंकि अभी दूसरी टीम का एक भी मैच खेला नहीं गया और भाई पिछले 1-2 साल के रिकॉर्ड निकाल के कोई फायदा मेरे को लगता नहीं है कि होने वाला है। तो यहां से देखो आप स्मॉल लीग में इजिली आप एलिसा एली के साथ जा सकते हो, ग्रैंड लीग में आप यहां से टाइला विल्सन को सीवीसी लेके जा सकते हो। वहीं अगर बात करें तो यहाँ से देखो कैटी मैक को आप ट्राई कर सकते हो, बेहतरीन प्लेयर यहाँ पर आपके लिए होने वाली है। रिचल एयान्स आपकी टीम में 101% होनी चाहिए और फोबी लिचफील्ड आपकी टीम में होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें तो यहाँ से देखो सैमी जो जॉनसन, अगर देखो ये अब इसका देखो कोई भी इसको सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भाई किसी को पता ही नहीं है कि ये स्क्वाड में ऐड हो चुकी है। ठीक है, इसीलिए भाई इसको सेलेक्ट करने मतलब इसे मतलब चूज ही नहीं कर रहे। यहाँ से सील एसन जो टीम में रहेगी वो भाई यहाँ से रहेगी एसीटी मेटर्स की टीम की तरफ से हमारी टीम में, और यहाँ पर 3 ऑलराउंडर हमने पिक कर लिए हैं। यहाँ से सैमी जो जॉनसन को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ भाई, रीज़न अभी आपको बताऊंगा आगे यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट में। यहाँ पर ई ऑसबोर्न को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, ई ऑसबोर्न को आपको कब अपनी टीम में लेना है तो देखो यहाँ से मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ई ऑसबोर्न को आपको तब भी टीम में लेना है जब भाई टीम मतलब पहले बॉलिंग करे। ठीक है, अगर पहले बैटिंग करते तो आप इसे ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैटली ब्राउन को आप अगर ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छी पिक आपके लिए यहाँ से हो सकती है। बाकी इसके अलावा अगर बात करें तो देखो यहाँ से येट्स को आप ट्राई कर सकते हो, और निकोला एंकोक को मैंने ड्रॉप कर दिया था, सॉरी भाई। निकोला एंकोक भाई आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट में दिख रही है, लेकिन आपके लिए काफी अच्छा ऑलराउंडर प्रदर्शन करके जा सकती है और बेहतरीन से भी ऊपर की पिक आपके लिए होने वाली है। तो यहां से आपको देखो क्लियर बता दूं, अगर यहां से भाई पहले बॉलिंग आती है ई मतलब यहां से एसीटी मैटर्स की तो आपकी टीम में ई ऑसबोर्न रहेंगी, अदरवाइज भाई आपकी टीम में यहां पर सैमी जॉनसन, बट सैमी जॉनसन को तो हम ट्राई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी 7 प्लेयर यहां से ट्राई कर लिए। तो फिर आप यहां से भाई एम पैना को ट्राई करके और फिर भाई आप यहां से सैमी जॉनसन को ट्राई कर सकते हो, किसी एक गेंदबाज को यहां से ड्रॉप करके, गेंदबाज को या फिर एक बैट्समैन को ऐसे ड्रॉप करके आप ट्राई जरूर से जरूर करने की कोशिश करना भाई सैमी जो जॉनसन को। बट अभी के लिए मैं ई ऑसबोर्न के साथ जा रहा हूं। सीवीसी की बात करें तो कैप्टन मेरी एसले गार्डनर रहने वाली है, और वॉइस कैप्टन की बात करें तो वॉइस कैप्टन भाई आप यहां से रिचल हैंस को दे सकते हो, या फिर भाई ऊपर से एलिसा एली को दे सकते हो, या फिर एरिन बर्न्स को दे सकते हो। एरिन बर्न्स आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों परफॉर्मेंस देगी, लेकिन बैटिंग काफी नीचे करेगी, 6th नंबर पर करेगी। अगर फर्स्ट इनिंग में भाई
इनकी बैटिंग आती है तो आप एरन बर्न्स को ट्राई कर सकते हो। सेकंड इनिंग में अगर बैटिंग आती है तो भाई आप एरन बर्न्स को एज ए टीम में मतलब एज ए प्लेयर लेके चलो और सिर्फ मतलब एज ए प्लेयर ही इनके ऊपर फोकस करो। हाँ हालांकि प्लेयर काफ़ी अच्छी है बट अभी के लिए मैं इन दोनों को CVC दे रहा हूँ और फाइनल टीम में मे बी आपको कुछ चेंजमेंट होते नजर आ जाए। तो अभी के लिए भाई कुछ इस प्रकार की हमारी फाइनल टीम होने वाली है। इसके अलावा कुछ भी अपडेट होगा टॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टॉस का रोल आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। टॉस की अपडेट, प्लेइंग 11, सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करके रख लेना। आज की रात भाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब वो प्रॉफिट भाई 1000 का होता है, 2000 का होता है या 10000 का होता है, 20000 का होता है, वो भाई कुछ हमारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो में जो चीज़ बताई वो आपके समझ में आई होंगी और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अदरवाइज कोई भी फायदा आपका नहीं होने वाला इस वीडियो को देखने का। तो जाइए भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।